श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए आज की कथा ध्यान से सुनते हैं। आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज का रथ जमीन से 6 इंच ऊपर चलता था। युधिष्ठिर महाराज हमेशा सत्य उन्होंने बोला। युधिष्ठिर महाराज ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला था, कभी नहीं, भूल में भी नहीं। सच के बल पे उनका रथ ऊपर चलता था, 6 इंच ऊपर। लेकिन महाभारत के युद्ध में क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य वो पांडवों के ऊपर बड़े हावी हो गए थे, आक्रामक हो गए थे। भगवान कृष्ण ने देखा किसी तरह भी इसको रोकना पड़ेगा। किसको? गुरु द्रोणाचार्य को। भगवान ने सोचा इसको मैं कैसे रोकूं, क्योंकि ये तो बड़ा हावी हो रहा है। उस वक्त क्या हुआ, एक हाथी मर गया जिसका नाम था अश्वत्थामा, और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। तो भगवान ने सोचा क्यों ना द्रोणाचार्य का ध्यान भटकाया जाए और यह बोला जाए कि अश्वत्थामा मर गया। हालांकि वो तो हाथी मरा था, पर अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम था द्रोणाचार्य के। अब भगवान चंचल हैं और कृष्ण का नाम एक छलिया है, छल करने वाला, यानी चीटिंग, छल मतलब चीटिंग। भगवान ने थोड़ी चीटिंग की है, क्योंकि शुरुआत पहले कौरवों ने की चीटिंग की, तो भगवान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया मेरे ठाकुर ने। मुझे ये बोलवाना है कि अश्वत्थामा मर गया, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र मर गया, झूठ कौन बोले? युधिष्ठिर से बुलवाता हूं, क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सच बोलता है, ये सबको पता है। और आज युधिष्ठिर बोलेंगे कि अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य का पुत्र मर गया, भले मैं उसे झूठ बुलवाऊंगा। और द्रोणाचार्य ये सुन लेंगे तो युधिष्ठिर की बात पे विश्वास पक्का करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि युधिष्ठिर ने कभी झूठ बोला ही नहीं, हमेशा सच बोलता है और अभी भी ये सच बोल रहा है। तो ये पुत्र मोह में अंधा है वैसे ही गुरु द्रोणाचार्य, और ये अपने पुत्र के पीछे भागेगा, इसका ध्यान हटेगा और ये पांडवों से थोड़ा साइड हो जाएगा, अर्थात पांडवों से इसका ध्यान हट जाएगा, पांडवों की सेना से इसका ध्यान हट जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर तुम्हें एक झूठ बोलना है, देखो अश्वत्थामा हाथी मर गया, पर तुम बोलो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मर गया, झूठ बोलो। उसने कहा नहीं प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं बोलना है, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं, क्योंकि युधिष्ठिर असमंजसता में था। तब उसने कहा प्रभु मैं इतना बोल सकता हूं कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया बस। तो भगवान ने कहा चलो यही बोल दो, अश्वत्थामा मर गया। लेकिन भगवान को पूरा भरोसा था ये झूठ बोलेगा ही नहीं, ठीक है अब चलो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर भी युधिष्ठिर तुम बोलो अश्वत्थामा मर गया। तो युधिष्ठिर ने पता है क्या बोला, अश्वत्थामा मर गया किंतु हाथी। और भगवान जानते थे ये गड़बड़ करेगा, ये सच ही बोलेगा, और इसे सच बोला, हाथी मर गया था ना। जैसे ही उसने बोला अश्वत्थामा मर गया और उसने बोला किंतु हाथी, तो बीच में कृष्ण ने शंख बजा लिया। किंतु हाथी सुनाई नहीं दिया द्रोणाचार्य को, उसे इतना सुनाई दिया कि मेरा बेटा यानी अश्वत्थामा मर गया। अब उसको अपना बेटा ही याद आएगा अश्वत्थामा नाम सुन के। द्रोणाचार्य वहां से भागा, उसका ध्यान पांडवों से हट गया, वो अपने पुत्र को ढूंढने लगा। यहां पर युधिष्ठिर का रथ जमीन पे आया। तब युधिष्ठिर ने कहा देखा द्वारकाधीश, आपने मुझसे झूठ बुलवाया ना, मेरा रथ नीचे आया, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तब कृष्ण ने कहा हे युधिष्ठिर, तुमने झूठ कहां बोला, तुमने तो सच बोला कि अश्वत्थामा मर गया किंतु हाथी। अरे आपने तो सच बोला, सच बोलने के बाद आपका रथ नीचे आया भाई, सच बोला आपने तब रथ नीचे आया, तो भी क्यों आया बताऊं, जबकि तुमने तो सच बोला। हां प्रभु ये बात तो सच है, तुम्हारा रथ इसलिए नीचे आया क्योंकि तुम्हारी शरणागति में कमी है। जब मैंने कहा झूठ बोलो तो तुमने क्यों नहीं बोला, मेरी क्यों नहीं सुनी आपने, आपको मेरी सुननी चाहिए थी। मैं क्यों आपसे झूठ बुलवाना चाहता था, क्योंकि मैं पांडव पक्ष की रक्षा करना चाहता था।
आपसे इसलिए झूठ बुलवा रहा था मैं, लेकिन आपने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए रथ नीचे आया। मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए रथ नीचे आया। जीवन की गाड़ी हमारी अच्छी चल रही है, कृष्ण गीता में जो कहते हैं हम उसको फॉलो करेंगे, उनका कहना मानेंगे तो हमारी जीवन की गाड़ी पटरी पे चलेगी, और अगर नहीं, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हम अपने उसूल और सिद्धांतों से जिएंगे, तो हमारी गाड़ी भी नीचे आ जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। और कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, मेरा भजन करो, मेरा मनन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो।